हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, अभी अभी ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए होगा परसों के लिए जैकपॉट शेयर, जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आज जो वीडियो डाला था वो भी आप जाकर ज़रूर देखना, मैंने कल जो डाला था वीडियो वो भी जाकर ज़रूर देखना, और मैं कल और भी एक या दो वीडियो डालूंगा ब्राइटकॉम ग्रुप के इम्पोर्टेंट वीडियो, वो आप ज़रूर देखना, जिसमें और भी बातें बताने वाला हूँ मैं जो कि काफ़ी डेंजरस साबित होने वाली है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और एक वीडियो में ये भी बताऊँगा कि अपर सर्किट लगेगा अगर हम लोग ये काम करेंगे तो ये सब बातें मैं बताऊँगा, सब वीडियो जाकर ज़रूर देखना। आज भी जो वीडियो अपलोड किया था मैंने करीब करीब 2 घंटे पहले, उसको भी आप ज़रूर देखना कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आज क्यों लोअर सर्किट में लगा। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से एक नोटिफिकेशन आया है अभी अभी, और उसमें उन्होंने मीटिंग डिक्लेयर की है 3rd अप्रैल को, मंडे को मीटिंग डिक्लेयर की है रिगार्डिंग टू कंसिडर अबाउट एक्सटेंशन ऑफ लॉक इन शेयर्स ऑफ मीडियामिंट। जी हाँ, ओनली मीडियामिंट की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी लॉक इन शेयर्स की बात नहीं हो रही है। मीडियामिंट के जो शेयर्स जिसका लॉक इन पीरियड ख़त्म होने वाला था 15 अप्रैल 2023 को मीडियामिंट के शेयर्स अनलॉक होने वाले थे, जिसमें जिनके जो लोग ये होल्ड कर रहे शेयर्स उनके नाम है आदित्य उची, नीलिमा मनापुरु, सुनील कुमार वर्मा, उची मीडिया एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, ये सब के शेयर्स थे, जो कि अराउंड 1 करोड़ शेयर है। प्री बोनस थे 93 लाख 7000 शेयर्स थे, अराउंड 93 लाख शेयर्स थे पोस्ट बोनस के बाद बढ़ भी गए होंगे। तो इनके जो शेयर्स है वो अनलॉक होने वाले थे 15th अप्रैल, तो उसका एक्सटेंशन करने के लिए ये मीटिंग मैनेजमेंट ने बुलाई है टू कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ लॉक इन पीरियड टू मीडियामिंट अकॉर्डिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ शेयर परचेस एग्रीमेंट। अब ये मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, ये इनका कुछ झगड़ा चल रहा है क्या मीडियामिंट से? हो भी सकता है, क्योंकि देखिए मीडियामिंट को जो शेयर दिए गए थे काफ़ी ज़्यादा रेट में दिए गए थे, और बाद में शेयर के रेट अभी हो चुके हैं 13 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बोल रहे होंगे कि भाई हम लोग अभी शेयर का पैसा, एक तो पैसा दो, क्योंकि उनका आप जानते हैं मीडियामिंट का जो डील है वो हो गया कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद वो लोग रिफंड भी वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी हमें जो भी था जो शेयर्स में हमने पैसे लगाए वगैरह वो हमें नहीं चाहिए, हमारे पैसे दे दो। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर रही होगी कि आपका जो लॉक इन पीरियड है वो एक्सटेंड कर दो, और बाद में देखते हैं, टेंशन मत लो, शेयर ऊपर जाएगा जब लॉक इन अनलॉक कर लेना, ऐसा कुछ बात चल रही होगी। क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है, कोई भी लॉक इन पीरियड में से एक्सटेंशन कोई करता नहीं है मैनेजमेंट, और ये मीडियामिंट वाले भी क्यों मान रहे हैं या इनका झगड़ा चल रहा है इसीलिए लोग कोई ज़बरदस्ती लॉक इन पीरियड एक्सटेंड कर रहे हैं कि क्या हो रहा है पता नहीं, वो तो क्लियर पिक्चर आएगा मंडे को। तो अब इसको पॉजिटिव समझे कि नेगेटिव समझे ये मंडे को पता, हमें फ्राइडे को पता चलेगा कि ये लॉक इन पीरियड को एक्सटेंशन करने का ये जो प्रॉब्लम है ये क्या एग्जैक्टली। मीडियामिंट वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ पैसे रिफंड करने का मांग रहे होंगे, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों का नुकसान हो रहा है वैसे उनका भी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा होगा कि हमें कुछ शेयर वेयर नहीं चाहिए, हमें पैसे वापस कर दो, और कुछ होगा उनका कुछ प्रॉब्लम जो भी होगा, तो इसी के कारण कुछ उन्होंने सोचा होगा कि लॉकिंग पीरियड का एक्शन कर देते हैं। तो उसके बारे में मीटिंग है 3rd अप्रैल को, आप देखते हैं इस मीटिंग में और क्या इस लॉकिंग पीरियड के बारे में निकल कर आता है, जो कि करीब करीब 1 करोड़ शेयर्स है मीडियामिंट ग्रुप के, मैंने आपको नाम बता दिए उनके सबके मिलकर अराउंड 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स है, जो कि लॉक इन पीरियड उनका एक्सटेंड करने की कंपनी बात कर रही है, उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई है। देखते हैं इसका इम्पैक्ट फ्राइडे को क्या होता है शेयर्स के ऊपर। एंड मैंने आज जो वीडियो डाला था वो भी आप जाकर ज़रूर देखना, और दूसरी बात मैंने कल जो डाला था वो भी देखना, और मैं कल और 2 वीडियो डालूंगा वो भी आप ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।